So equivalent focal length of combination of two thin lenses separated by a finite distance. तो देखिए दो लेंस हैं L1 L2, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी फोकल लेंथ F2, और दोनों कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो अब हमें इसके लिए निकालना है इस पूरे कॉम्बिनेशन की, मतलब इस लेंस को और इस लेंस को मिलाकर इन पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो लेंस का काम क्या होता है, कोई भी लेंस होता है, किसी कॉन्वेक्स लेंस, उसका काम होता है रेस को कन्वर्ज करना, मोड़ना। दो बार रिफ्रैक्शन होते हैं, एक इस सरफेस से, एक इस सरफेस से, लेकिन हम दोनों रिफ्रैक्शन को एक रिफ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि कुल मिला के कोई लेंस क्या करता है, किसी भी रे को कन्वर्ज करता है। तो हम इसका रिजल्टेंट रिफ्रैक्शन या लेंस से निकलने वाली इमर्जेंट रे को लेंगे, ठीक है? लेंस से निकलने वाली इमर्जेंट रे को यहाँ पर देखेंगे। तो ये लेंस क्या करेगा, इस इंसिडेंट रे को बेंड करेगा। ये क्या है, इसने बेंड, ये लेट दिस पॉइंट इज बी ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये यहां से लेकर ये पॉइंट है O1 और इसकी हाइट है H1, और यहां पर जो पॉइंट मिला वो सी, और इसकी इस ऑप्टिकल सेंटर से हाइट ले ली H2। अब ये रिफ्रैक्टेड रे को आगे बढ़ाएंगे, इसको ये रिफ्रैक्ट, देखो ये लेंस की इमर्जेंट रे है, लेंस वन की इमर्जेंट रे है, लेकिन लेंस टू के लिए ये इंसिडेंट रे है। तो इसको इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पर जहां मिलाते हैं वो ही इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है। देखो अगर इसके लिए इंसिडेंट रे है और इस इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिलाएंगे तो वो ही ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए। इंसिडेंट रे जहां से आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अब देखो ये बन गया, या हम कह सकते हैं कि अगर पैरेलल रे आती और ये लेंस नहीं होता तो पैरेलल रे कहां मिलती है, फोकस पर, तो ये पॉइंट हो जाता F1, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, F1, फोकल लेंथ ऑफ F1। ये बात आपको समझ में आई, पैरेलल रे इस लेंस में आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां मिलती है, कहां मिलेगी, फोकस पे। अब देखो इधर इस लेंस के लिए, ये इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे ये है, ये लेंस भी इसको बेंड करेगा, यस, ये भी बेंड करेगा, तो ये हो जाएगा, इसे बोलेंगे F2। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे है, इसको आगे बढ़ाया, ये कौन सी रे, इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल होगा डेविएशन एंगल ऑफ फर्स्ट लेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है फर्स्ट की, इमर्जेंट रे है फर्स्ट की, तो डेविएशन एंगल ऑफ फर्स्ट। ये इंसिडेंट रे किसके लिए है, सेकेंड लेंस के लिए, ये इमर्जेंट रे किसके लिए है, सेकेंड। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकेंड लेंस। इस रे को आगे बढ़ाते हैं, कौन सी, फाइनल इमर्जेंट रे को, फाइनल इमर्जेंट रे को ऐसे आगे बढ़ाते हैं पीछे की तरफ। तो ये इंसिडेंट रे और दोनों कॉम्बिनेशन की फाइनल इमर्जेंट रे ये वाली, तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां, तो ये हो जाएगा टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय बोथ लेंस, ठीक है। अब ये एंगल अगर डेविएशन टू डेल्टा टू, डेल टू, तो ये अपोजिट एंगल है, तो ये भी डेल्टा टू बन जाएगा, और इसको एक नाम देते हैं बी सी, इसे नाम दे देते हैं पी, लेट दिस इज पी, और ये यहां से अगर इसको मिलाया तो ये भी कितनी हाइट पर है, H1, इसकी हाइट भी H1 है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, पी बी सी,
from triangle PBC. Exterior angle is the sum of interior angle. Exterior angle is the sum of interior angle. तो exterior angle कितना है? Del. Interior angle कितना है? Del 1 plus del 2. तो del 1 कितना है? देखो, अपन को formula पता है deviation का. क्या होता है? H upon F. Deviation का formula होता है H upon F. तो del 1 कितना हो जाएगा? H1. और इसके लिए focal length F1. तो H1 upon F1. और delta 2 कितना हो जाएगा? H2 upon F2. Second length के लिए. ये height है. और ये F2 है. और this is equation number 1. अब del के लिए. ये del दिख रहा है आपको? Yes. ये height कितनी है? H. Sorry. ये H1 है. तो ये भी H1 हुई. और इसकी resultant की focal length कितनी हो जाएगी? H1 upon F. तो from figure. Del कितना होगा? Del जहां बन रहा है वहां height कितनी है? H1. और resultant की focal length कितनी होगी? F. तो this is equation number 2. Equate कर दो. इस del की जगह put कर दो. H1 by F equals to H1 by F1 plus H2 by F2. So this is equation number 3. तो हमारे पास आ गया H1 upon F equal to H1 upon F1 plus H2 upon F2. ये relation आया. एक बात और देखो कि इस lens के लिए parallel ray है और after refraction जहां मिलती है वो focus होता है. तो इस lens का ये focus. Focus से optical center की distance होती है focal length. इस lens की focal length तो यहां पर calculate हो रही है. लेकिन इस lens के लिए incident ray कौन सी है? ये. क्या ये parallel है principal axis के? नहीं. तो ये जहां after refraction ये focus पर नहीं मिलेगी. हमने just एक point लिया है F2. जरूरी नहीं है focus. अच्छा ये जो focus है वो इस lens का focus नहीं है. वो इन दोनों के combination का focus है. जो F2 है. तो यहां पर हम F2 जरूरी नहीं है यहां पर F2 हम ले. हम यहां पर इसकी जगह E point भी ले सकते हैं. तो इससे confusion हो जाएगा. फिर से समझिए. इसका focus ये है क्योंकि ये ray parallel है. Parallel ray after refraction focus से मिलती है. Focus से optical center की distance focal length होती है. इस lens की focal length F2 है. लेकिन वो इस diagram में नहीं दिखा रखी. क्योंकि इस lens पर अगर parallel ray आती वो जहां मिलती वो F2 होती. तो इस lens पर कौन सी ray आ रही है? ये parallel है क्या? नहीं. तो ये focus से मिलेगी? नहीं. तो ये पॉइंट ऐसे ही कोई पॉइंट E है. अब हम लेंगे ज्योमेट्री से. इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक हमें लेना है B O1 F1. इन राइट एंगल ट्रायंगल B O1 F1 एंड राइट एंगल ट्रायंगल C O2 F1. C O2 F1 दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं. ये देखिए B O1 F1 और C O2 F1 दोनों सिमिलर हैं. तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे. इसकी साइड कौन सी है? H1 अपॉन. इसकी ये साइड कितनी है? O1 F1 F1. इसकी साइड कितनी है? ये H2. इसका बेस ये वाले कितनी है साइड? उसको लिखेंगे O2 F1. इस साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? F1 में से क्या माइनस करेंगे? D. तो ये साइड हो जाएगी F1 माइनस D. ठीक है? F1 माइनस D. फिर से देखिए H1 अपॉन F1, H2 अपॉन F1 माइनस D. अब यहां से H2 निकाल ले. नेक्स्ट स्टेप में H2 निकाल लेंगे. H2 इक्वल्स टू ये F1 माइनस D मल्टीप्लाई में H1 बाय F1. पुट वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन नंबर 3. H2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे.
तो h1 upon f1 और h2 की वैल्यू है f1 minus d h1 upon f1। देखिए h2 की वैल्यू है f1 minus d h1 upon f1, अपॉन में f2 भी बड़ा है, h1 सब में से कॉमन आके कैंसिल हो गया, 1 upon f equals to 1 upon f1 plus f1 minus d f1 f2। अब देखो 1 upon f 1 upon f1 f1 में f1 f2 का डिवाइड करो, f1 से f1 कैंसिल, 1 upon f2 minus d में f1 f2 का डिवाइड करो, f1 f2। तो दिस इज द ये है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या रिजल्टेंट फोकल लेंथ व्हेन टू लेंसेज हैव फोकल लेंथ f1 एंड f2 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d। अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज लेते हैं, कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है, पहले लेंस की फोकल लेंथ है लेट 10 सेंटीमीटर, दोनों कॉन्वेक्स हैं। एक बात याद रखें, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि पैरेलल रे राइट साइड मिलती है, और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। तो अगर हमें दोनों कॉन्वेक्स दिए हुए हैं तब हम दोनों पॉजिटिव लेनी है, एक की 10 दे रखी है और एक की 8 दे रखी है, और दोनों की बीच डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों की फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 upon 10 plus 1 upon 8 minus 5 upon 10 multiply 8 80। तो यहां से एलसीएम कितना जाएगा, 80। इधर कितना जाएगा, 8 plus 10 minus 5 80 आ गया जाएगा, 18 minus 5 13 by 80। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 18 by 30।